तो सामने तो रोड नहीं है, बाइक को जम करवाने पड़ेगा। आ जाओ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज निक्शन और आप देख रहे हैं निक्शन्स ब्लॉग। और आज संडे है, संडे ही मौका मिलता है राइड पे जाने के लिए। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ, एक हिडन प्लेस में जाने वाला हूँ जो पिकनिक स्पॉट के लिए बढ़िया सा प्लेस है, तो उसे एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ। और अभी फिलहाल सिलचर में ही हूँ और अभी निकलने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी एनडी कॉलोनी तक ही जाऊँगा, वहाँ मेरे साथ जाने वाला है हीरो, उसका भी RS 200 है और मेरा बीस्ट भी RSE 200 है। तो एक ही साथ हम दोनों निकलेंगे। फिलहाल तो मैं पहले ही निकल जाता हूँ, मुझे वहाँ जाके वेट करना है, ये वो भी आएगा। और कालाइन से हम लोगों के साथ ज्वाइन करने वाला है किशान। तो गाइस मैं तो निकल गया हूँ और अभी फिलहाल जेल रोड पर ही हूँ, एंटी कॉलोनी जाके वेट करूँगा हीरो के लिए। तो इतना सुहाना मौसम है भाई, थोड़ा बहुत गर्मी थोड़ा बहुत ठंडा, वो क्या मस्त लग रहा है। ऐसा मौसम होना चाहिए राइड के लिए, वो बढ़िया। बहुत दिनों के बाद राइड पे निकला होगा एक्चुअली, काम का प्रेशर था, काम पे तो जाना पड़ता है। तो मेरा ब्लॉग आज संडे है, इसलिए संडे में आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अपलोड तो होते होते तो मंडे हो जाएगा, मतलब कल अपलोड होगा ये वीडियो, ये ब्लॉग। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। और अगर अभी तक कोई मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर दीजिएगा। आज जहाँ पर जाने वाला हूँ मैं, मतलब जा रहा हूँ, वहाँ जाके तो थोड़ा बहुत रील्स भी बनाऊँगा और रील्स भी इंजॉय कीजिएगा गाइस मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर। ओह अरे भाई क्या चला रहे हो, रोड देख के भी क्रॉस नहीं करते लोग। फिलहाल धीरे धीरे चला रहा हूँ, हीरो आने में अभी भी टाइम है। जबकि पेट्रोल पंप जाना है और पेट्रोल डलवा के आएगा, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। मुझे कहा था कि पेट्रोल पंप आ जाओ, मेरे लिए थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरे लिए शॉर्टकट हो जाता है। बट अरे अंकल अजीब लोग है भाई, राइट लेफ्ट नहीं देख के डायरेक्ट क्रॉस कर दे। लग गया ट्रैफिक शायद यहाँ पर, नहीं 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 लगा, नहीं लगा, ऐसे ही गाड़ी रुक के रखा है यार। मेन रोड पे गाड़ी ऐसे रुक के क्यों रखते लोग, मेन रोड में पार्किंग नहीं करना चाहिए ना। तो सामने इतना ट्रैफिक ट्रैफिक लग रहा है, तो कोई बात नहीं निकलते हैं। अरे तो टू व्हीलर है, बीच बीच से निकल जाऊँगा। आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत हिडन प्लेस में जा रहा हूँ। उस प्लेस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और लास्ट मैंने यूट्यूब पे दादा का वीडियो भी देखा था, दादा गया था वहाँ पर। इट्स मी NTS, आप गूगल पे मतलब सॉरी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना इट्स मी NTS, वहाँ पर भी है उस जगह का ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ गाइस, मेरा ब्लॉग पर भी आप देख ही पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अभी वेट करता हूँ हीरो के लिए। अभी का टाइम हो रहा है कुछ 11:56 और अभी ये है एनडी कॉलोनी और यहाँ वेट करता हूँ हीरो के लिए, ठीक है? तो वो आने के बाद एक ही साथ निकलूँगा। तो गाइस हीरो भी आ गया है, वाह 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 बढ़िया। ठंडा रे आप गरम खराब हो सुबह करना। तो गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और
तो ये है प्रॉपर कलाइन मार्केट गाइस। कलाइन मार्केट अभी एंटर कर रहे हैं और आगे जाना है हम लोग का। तो वहाँ जाके किसान का भी घर है कॉलेज रोड के सामने, तो वहाँ किसान हम लोग के साथ ज्वाइन करेगा। ये मार्केट में तो हमसे ही ट्रैफिक लगता है, ये बड़ा बड़ा ट्रक यहाँ से फिल्टर जाता है इसी कारण। अरे भाई लग गया, अभी टाइम हो रहा है 12:58। हम लोग बीच में थोड़ा रुके थे इसी कारण थोड़ा बहुत लेट हो गया है। और तो क्या ही बताओ, अभी तो मज़ा ही आ रहा है राइड करते हुए। और मिरर पे आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने वाइजर चेंज किया है, ब्लैक पेपर लगाया है। ये ट्रांसपेरेंट रात के लिए अच्छा है और डे के लिए ये ब्लैक वेदर बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि सूरज का किरण डायरेक्ट आपको में लगता है, पूरा अंधेरा लगता है, दिखाई नहीं देता है दिन में। इसी कारण डे में ब्लैक वेदर पहन के चला है, मस्त देखता भी देखती है और बहुत ही अच्छी तरह से आप देख पाऊंगे। कैसे लोग रहे थे बीच बीच से निकल जाते। आईते बड़ा ही भाई, आईते बड़ा ही भाई, तो आसे तेल पे जान करंट आसे नहीं। तो गाइस किशन भी आया है हम लोग के साथ ज्वाइन किया है और एक ही साथ निकलने वाले हैं। सर किशन हाय बोल दो। तो चलो यहाँ पर पहले कलाइन जो है MBA गेट था, अभी तो MBA गेट नहीं है, सामने टोल प्लाजा है, तो टोल प्लाजा एक क्रॉस करके हम लोग को जाना है। अरे हम लोग को हम लोग का डेस्टिनेशन मिलेगा। अरे साहब ये है टोल प्लाजा, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, ठीक है मेरा तो मदद नहीं है। जवाब इतना नहीं नदी जवाब इतना नहीं। तो यहाँ पर अभी गेट लगा हुआ है
নদীর যাওয়া যেতে নেন নদী কি দেখেন এমনি গুড়ত না না আমাদের পারমিশন নাই কোনো গাড়ি ছাড়তাম না বর্তমানে পিসাসরা যায় না এদিকে যাওয়া তো যায় অসুবিধা নাই কিন্তু সারা যেত না তারা গাড়ি আটকা রাখছে দেখছো না গাড়ি রাখিয়ে যেতে লাগু নাকি গাড়ি রাখিয়েও যেতে পারতায় না মানে এখানে গিয়ে রেকর্ডিং করতে বা আসতে না বহু তখন কাজ চলে রাস্তা ব্লক আছে আধা গিয়ে আর যেতে পারতায় না तो गाइस आज के लिए बंद है अलाउ नहीं कर रहा ये लोग क्या करें थोड़ा घूम जाते सामने इको पार्क एक है इको पार्क से बंद कर दिया अरे भाई साहब বন্ধ করে দিছে বা রাস্তার কাম চলার ওদিকে বন্ধ করে দিছে আর তো পার্ক আছে খালি কোন পার্ক ওই যে হঠাৎ পপট হয়ে গেল পপট হয়ে গেল পপট হয়ে গেল রে ভাই এ তো গেট লাগা কে রাখা হিরক ভাই কে সাথ আর কিষান ভাই কে সাথ ওর এক বার ইসি রুট সে थैंक गॉड गेट खुला हुआ है भाई ऑफ रोडिंग है भाई साहब आराम से ट्रैक्शन बना के रखना पड़ेगा वरना मैंने तो पहले ही बताया कि ये सब रोड में गिरने का चांसेस है रिएक्शन बना के जाना पड़ेगा ठीक है भाई साहब यही बताओ किसान को शायद दिक्कत होगा ये सब रोड में कि वो तो नया राइडर है भाई कोई बात नहीं सीख लेगा थोड़ा तो रिक्स लेना है भाई तो सामने तो रोड नहीं है बाइक को जम करवाना पड़ेगा आ जाओ अगर हम लोग 150 किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो जम गाड़ी उस पार डेमो दिखाता हूँ ये देखो ये रहा गाड़ी और ये रहा स्पीड और ये जम नाइस गाड़ी उस पार नाइस ठीक है ना तुम्हारा बाइक दो अभी जम करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचवाया था थंबनेल के लिए और इसके बाद तो मेरा भाई पट हो गया मेरा सेल्फ स्टिक ही गया भाई कहाँ गिरा मेरे को नहीं मालूम भाई साहब ऑफ रोडिंग है भाई আরে দেব মনে তো পুরো খালি আছে
एडवेंचर एडवेंचर मेरा पीछे का साइड देखो ना कीचड़ उठा तो ये है मडगार्ड रिमूव करने का बेनिफिट भाई तो गाइस बेटे को हाथ लगाने से पहले इन दो बाप से बात करो अस्ते अस्ते लगे रख सो गाइस बर्न आउट किया और देख सकते हो मेरा पूरा कीचड़ कीचड़ जिस जगह के लिए आया था वो जगह तो हम लोग का पोपट हो चुका है, देख भी नहीं पाया गाइस और गेट बंद था और इसी कारण हम लोग आए हैं अभी। ये है गुमरा बगान एरिया और यहाँ पर रिवर तो अभी पानी बहुत ही कम है तो यहाँ पर हम लोग आए हैं अभी और देख फोटोशूट चल रहा है अभी कैमरा मैन ये देख सो गाइस फोटोशूट चल रहा है देख सकते हो और ये देखो कैमरा मैन किशन तो किशन जे तल के आई छी त होइलो ना ना त तो आर होइलो ना अन आर अंदी के गुड़िया जाइते लग रास्ता नहीं रास्ता ही नहीं आज के ब्लॉक कर ली। सो गाइस अभी हम लोग जाने वाले थावा और किशन ट्रेड देगा, उसने नया मडगार्ड लगाया है मडगार्ड का पार्टी नया मडगार्ड लगाया है। एक्चुअली उसका बाइक में मडगार्ड का सिस्टम ही नहीं है, वो कंपनी से बना ही नहीं है, लेकिन किशन ने मॉडिफाई करके मडगार्ड लगाया है तो पार्टी तो बनता है ना भाई। तो अभी निकलते हैं यहाँ से ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं सप्लाई गेट और यहाँ देख सकते हो ये महाकाली होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ अभी हम लोग लंच करेंगे और लंच करके फिर सिल्चर के लिए रिटर्न होंगे ठीक है। चलो तो ये है अंदर का महाकाली होटल का अंदर का कुछ सीनरी देख। तो ये है होटल, तो यहाँ पर अभी कुछ लंच वगैरह करेंगे और निकलेंगे यहाँ और यहाँ का लुक्स देखो गाइस। तो आ गए हम लोगों का चिकन और चापाती देख सकते हो गाइस।
तो गाइस लंच करके हम लोग तो सिलचर पहुंच गए और ये था मेरा छोटा सा राइडिंग ब्लॉग। और अगर इस ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर गाइस, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर।